लखीमपुर कलेक्ट्रेट स्थित पीडब्ल्यूडी बांग्ला में कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। आधा घंटा धक्का मुक्की नारेबाजी गाली गलौज होता रहा। मौके पर एसडीएम लखीमपुर डॉक्टर ए के सिंह, सीओ विजय आनंद, कोतवाल ए के मिश्र भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। एसडीएम ने कहा भारत सरकारी भवन में झगड़ा हुआ है, कार्रवाई होगी। आज यूपीसीसी के सचिव व जिला प्रभारी कुमुद गंगवार की प्रेस वार्ता थी। कुमुद आज जिला कमेटी के गठन के सिलसिले में आए थे। कांग्रेस के निर्वर्तमान अध्यक्ष रघुवेंद्र सिंह ने कहा पुलिस सांसद जफर नवी नव की गुटबाजी कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहते हैं। वहीं पर मौजूद श्री नकवी पुत्र मोनिश अली व सैफ अली नवसी ने कहा इसका विरोध किया। इसी बीच नवकी व राजेंद्र सिंह के समर्थक सामने आए, जमकर धक्का मुक्की हुई, शोरगुल, गाली गलौज, नारेबाजी हुई, पत्रकार भी धक्का मुक्की के शिकार हुए। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। एसडीएम ने एआईसीसी से आए हुए हिलाल नकवी, कांग्रेस पैनलिस्ट जिला प्रभारी कुमुद गंगवार, राघवेंद्र सैफ अली नकवी, मोलिन नकवी से जानकारी ली। प्रशासन ने डाक बंगला जल्द खाली करने के निर्देश दिए हैं।